नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे GS2 मेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो मेन सिलेबस है GS2 का, अगर आप वो देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ वर्ड लिखा गया है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, और उन ऑर्गन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर जनता में कोई इशू है, कोई ग्रेवियांस है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए तो हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अलग अलग बॉडीज़ हैं, NGT है, CVC, CIC, ये सब बॉडीज़ हैं। अगर जनता को कोई समस्या हो हमारी सरकार से तो क्या किया जाए, अगर जनता को कोई ग्रीवियांस हो, अगर जनता को कोई समस्या हो हमारी सरकार से, अगर किसी नीति से, किसी पॉलिसी से, या फिर उसको किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाया हो, तो जनता कहाँ जाए। तो इन्हीं समस्याओं को, इन्हीं ग्रीवियांस को रिड्रेस करने के लिए जो मैकेनिज़्म बनाया जाता है, जो संस्थान बनाए जाते हैं, जो अफसर बिठाए जाते हैं, उनको हम लोग ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म कहते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है वो गवर्नेंस का टॉपिक है GS2 का, प्लस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने एसे में भी, और अपना जो GS4 में अगर कोई सवाल पूछे कि आपके डिपार्टमेंट में ये समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम ये जो मैकेनिज़्म है इसका उपयोग करेंगे। आप इस तरह के जो पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। GS4 में एक्चुअली अपने GS1, 2, 3 के जो नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करना होता है। आपको जो NGOs हैं, SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्हीं की मदद लेनी होती है कई बार गरीबी उन्मूलन के लिए, जो भूखे उनको खाना खिलाने के लिए, अगर आपके पास जो रिसोर्स उनकी कमी हो तो, ठीक है ना। तो सब पढ़ाएंगे आपको, चिंता की बात नहीं है। तो ग्रीवियंस होता क्या है? ग्रीवियंस का मतलब ये है कि आप सरकार के किसी प्रोडक्ट से, सरकार के किसी सर्विसेज से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, तो आपके जो फीलिंग है, आपका जो एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग ग्रीवियंस कहते हैं, ठीक है। मान लो कि आप गए बैंक में पैसा जमा करने, अब बैंक वाला जो बाबू है वो कह रहा है कि खिड़की नंबर 9 पर जाइए, अगर के नंबर 9 वहाँ पर है ही नहीं, तो ये समस्या हो गई ना, उसको काम करने का मन नहीं है, चाहे कुछ और भी समस्या होगी, चाहे वो खिड़की नंबर 9 का आदमी आया ही नहीं होगा, पूरी खिड़की हटा दी गई होगी, कौन जानता है। तो जो सेवा है वो तो नहीं मिल पाई ना, तो ग्रीवियंस हो गया। अब ग्रीवियंस हो गया तो उसको रिड्रेस कैसे किया जाए? वो आदमी जो पैसा जमा करने गया है वो चला जाएगा बैंक मैनेजर के पास, उसको जाकर बोलेगा कि बाबू बताओ खिड़की नंबर 9 कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं पैसे कहाँ जमा करूँ, समझ रहे हो। तो जो बैंक का मैनेजर है वो पार्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का, समझ गए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाई जाएगी, जो सेवा का जो स्तर है बढ़ाया जाएगा, और उसको और इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब बैंक का मैनेजर, इसको पता चल गया कि खिड़की नंबर 9 वाला गोला मारता है, नहीं आता, अटेंडेंस लगा के भाग जाता है, तो वो उस पर कार्रवाई करेगा। उसको फीडबैक मिल गया कि ये गोल रहता है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है, तो उस पर कार्रवाई करेगा ताकि समय पर आए, सेवाएं जो हैं वो अच्छे से हमारे नागरिकों को मिले। ये पूरा फ्लो चार्ट है एक जनरल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का, ठीक है। कोई भी नागरिक अगर कोई कंप्लेन करता है तो ये कंप्लेन एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र किया जाता है कि चलिए आप इसको ठीक कीजिए। अगर ये एग्जीक्यूटिव ठीक कर देता है, एक्शन ले लिया गया, बस उसका नोटिफिकेशन मिल गया जो नागरिक है उसको कि आपका काम हो गया है, आपकी समस्या दूर हो गई है, बस ख़त्म काम। अगर नहीं लिया गया है, अगर कोई डिले हुआ है, तो जो सीनियर है उसको भेजा जाता है कि देखिए आपका आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर इसके पावर से बाहर की चीज़ है, आप उसको ठीक कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी समस्या को दूर किया जाता है। अब भारत में ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के मैकेनिज़्म हर लेवल पर हैं, केंद्र लेवल पर भी हैं, राज्य स्तर पर भी हैं, और ज़िला स्तर पर भी हैं। यहाँ तक कि अब आजकल तो ट्विटर पर अगर बोलेंगे ना कि सर हमारे राजधानी ट्रेन में कंबल नहीं मिला है, तो रेलवे मंत्री जो हमारे हैं वो पहुँच जाते हैं कि अरे कंबल क्यों नहीं दिया गया, VIP हैं भाई। तो सरकार आजकल ट्विटर पर चलती है। अब गरीब आदमी तो ट्विटर पर है नहीं, और हमारे यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो सरकार पर लोड भी कम है। चलिए देखते हैं शुरू से, एकदम केंद्र से।
केंद्र स्तर जो सरकार है वहाँ पर डिपार्टमेंट है एक चीज़ का, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, शॉर्ट में कहते हैं इसको DARPG, ठीक है ना, DARPG शॉर्ट में कहते हैं इसको। ये पॉलिसी बनाता है ग्रेवियंस रिड्रेस करने के लिए कि किस तरह से हम मैकेनिज़म बनाएँ, किस तरह से हम कौन से ऑफिसर बिठाएँ, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीज़न सेंट्रिक हो। सिटीज़न सेंट्रिक का मतलब ये है कि जो नागरिक हैं सब कुछ उसी के बारे में हो, जो नागरिक हैं उसी को सेवा देनी है, उसी को सर्विसेज देनी है, तो उसी के मतलब बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट है वो फॉरवर्ड कर देता है कोई भी ग्रेवियंस जो इसको मिलता है, किसको दे देता है, जिस मंत्रालय के खिलाफ ग्रेवियंस आया है या जो मंत्रालय ग्रेवियंस ठीक करने के लिए जिम्मेदार है वो मंत्रालय को भेज देता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि वॉलमार्ट को इंडिया में निवेश करना था, अब वॉलमार्ट को इंडिया में आने नहीं दिया जा रहा था पहले, तो करेगा क्या, वॉलमार्ट जाएगा भारत सरकार के पास कि हमको आपके देश में निवेश करना है ना। अब भारत सरकार इसकी समस्या सुनने के लिए जो कंसर्न्ड मंत्रालय है उसको प्रपोजल देगा कि वॉलमार्ट कुछ कह रहा है, इसका सुन लो, समस्या दूर करो। अब मंत्रालय ने उसकी बात सुन ली, इसकी समस्या दूर कर दी, इसको अलाउ कर दिया गया। वॉलमार्ट ने भारत में आकर के फ्लिपकार्ट खरीद लिया, इसको एक्वायर कर लिया और फ्लिपकार्ट के रूप में ये भारत में काम करता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से समस्याओं को सॉल्व करता है, ठीक। कोई भी कंप्लेन हो वो मतलब केंद्रीय मंत्रालय को, चाहे डिपार्टमेंट को, चाहे राज्य सरकार को, वो ग्रेवियंस ट्रांसफ़र कर देगा। उन्होंने कैसा काम किया ये भी मेजर करेगा, किया भी कि नहीं किया। अगला है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं इसको CPGRMS, मत याद रखना इसको, चुपचाप लिख देना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये तुमको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, शॉर्ट फॉर्म बना पाओगे तभी जब तुमको फुल फॉर्म याद रहेगा। ये करता क्या है, जनता से सीधे सीधे जो ग्रेवियंस है उसको रिसीव करता है, उस समस्या को ठीक करता है, और ठीक हो गया, आगे भी अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं वो उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। ऑनलाइन आप समस्याओं को सरकार के पास भेज पाएँ इसके लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, कैसे भेजना है, कौन से वेबसाइट है, ये आपको नहीं पता तो ये आपकी समस्या है। अगर सरकार देखो, अगर सबको पता चल गया कि कहाँ जाकर कंप्लेन करना है तो कंप्लेन की तो बाढ़ आ जाएगी ना, सरकार के तो काम बढ़ जाएगा, इसीलिए वो उतना ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करता, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे इसको वे फॉरवर्ड में कि क्या करना चाहिए, अभी टेंशन मत लीजिए। ये जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये नागरिकों को ट्रैक करने का भी ऑप्शन देता है कि आपने जो कंप्लेन फाइल किया है वो कहाँ तक पहुँचा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बार SBI के एक एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेन किया था, वो जैसे कि जो होता है ना KYC नॉर्म में आधार कार्ड मतलब मैंने दिया था कि आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, तभी वो अकाउंट नहीं खोल रहा था, बोल रहा था कि नहीं हम अकाउंट नहीं खोलेंगे आपका। हमने बोला कोई कारण बताओ, तो फिर एक होता है ना कभी कभी आन पर बात आ जाती है, तो फिर उसको बाइक पास करके फिर उसके ऊपर का अधिकारी उसके पास जाना पड़ा, तो समस्या ठीक हुई। मगर ये तो आदमी जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो वहाँ ढेर सारे लोग आते होंगे, सबसे ऐसा बोलता होगा। तो फिर मैंने कुछ किया कंप्लेन, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। होता क्या है ना कि जो इंटरनल डिपार्टमेंट है वो अपने लोगों को बचाता है, जानता है कि इसको कोई निकाल तो सकता नहीं, सरकारी आदमी है, यही रहेगा, यही मर जाएगा हमारे साथ, तो कोई दुश्मन नहीं लेना चाहता वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, चलता रहता है सब चीज़ें। जो राज्य स्तर पर चीज़ें होती हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पब्लिक हियरिंग करते हैं, जैसे कि कई सारे राज्य में जनता दरबार लगाया जाता है। अब मंत्री जी मतलब मुख्यमंत्री जी जनता को मतलब समस्याओं को निदान करने के लिए तो करते ही करते हैं, मगर समस्याएं इतनी ज़्यादा होती है कि जनता दरबार में सब कुछ सुना नहीं जाता, तो कई बार जो DM साहब हैं या फिर कुछ और बड़े ऑफिसर हैं वो भी पब्लिक हियरिंग करते हैं ताकि सीधे जनता से रूबरू हुआ जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर DM साहब अपना व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं, जैसे कि पटना में जो पहले SP हुआ करते थे शिवदीप वामन लांडे, महाराष्ट्र के हैं, बिहार कैडर उनको पहले मिला हुआ था, अभी तो चले गए वापस अपने राज्य में, तो शिवदीप जो हैं उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था पटना में जब वो थे, वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम हो गया था।
तो ऐसे ऑफिसर्स अगर हमारे यहाँ रहते हैं, देखो आपको पता है कि आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे तो जाके घुसखोरी करते हैं सरकार की, मतलब हाँ में हाँ मिलाते हैं, सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो बढ़िया काम करते हैं, जिन्हें काम करना होता है, ठीक है ना, उनके अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हाँ बिना नेता को नुकसान पहुंचाए भी वो काम कर सकते हैं, बिना नेता की आंखों में आए हुए वो भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पर काम कीजिए आप, क्राइम ठीक कीजिए आप, ये सब काम करेंगे ना तो नेता की खुद इमेज बनती है कि हाँ आपके ज़िले में काम हो रहा है, नेता खुद आपको सपोर्ट करेगा, आपको हटाएगा नहीं वहाँ से। जैसे कि जब भी चुनाव आता है ना तो ऊपर से आता है नीचे ऑर्डर कि काम करना शुरू कर दो, चुनाव आ रहा है, जनता के मन में एक पॉजिटिव इमेज बननी चाहिए। अगला है ज़िला स्तर पर, जो डीएम साहब हैं वो भी मतलब कि कभी कभी मीटिंग लेते हैं और वो ज़िला स्तर पर पब्लिक ग्रीवियांस ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। ट्विटर के बारे में मैंने बता ही दिया कि कई बार ट्विटर पर भी समस्या का समाधान हो जाता है। अब हमारे ये जो मैकेनिज्म है उसमें समस्या क्या है? समस्या सबसे पहले ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं इनकी जानकारी नहीं है। हमें ज़िला स्तर पर कौन से समस्या का समाधान हो जाएगा, राज्य पर कौन सा हो जाएगा, तो करना क्या है, आप इसका समाधान दे सकते हैं कि सिटीज़न चार्टर बना दीजिए। मतलब हर सरकारी दफ्तर में एक सिटीज़न चार्टर लगा दीजिए, ये बता दीजिए कि आपको ये सेवा देने के लिए ये अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर आपको वो सेवा नहीं मिलता तो इस अधिकारी के पास जाकर के अपना कंप्लेंट दर्ज कीजिए, है कि नहीं। या फिर देखो, अगर आप जाएंगे इंडिया पोस्ट के ऑफिस में होता है ना डाकखाना, वहाँ पर जाइए, आपको चिपका हुआ मिल जाएगा सिटीजन चार्टर। कई सारे जो संस्थान है वहाँ पर ये चिपकाया गया है। सिटीजन चार्टर टॉपिक है GS-4 का, मगर मैं यूज़ कर रहा हूँ GS-2 में, समझ रहे हो बच्चा। यही होता है काम, अपने नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये मेन चीज़ होती है। अब जैसे कि मैगी का मसाला है, उसको तुम डाल दो मैगी में, या तुम डाल दो अपनी बेस्वाद सब्जी में, कई सारा काम हो सकता है उसका। अब यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती उसको इस्तेमाल करने में, मगर पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है तुमको, कौन सा चीज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हें करने के लिए कह दिया जाए तो तुरंत भागोगे दौड़ के। सोचो कि मैं कहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, बिना सोचे बिना बैठ के एनालाइज किए कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हें अगर बता नहीं देगा कि तुम यहाँ पर ये यूज़ करो, तुम्हें बस दे सकता है एग्जाम्पल कि हाँ GS-4 में तुम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बातें हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगला मैटर बता रहा हूँ आप टॉपिक, एक सर्वोत्तम मॉडल होता है, सर्वोत्तम मॉडल होता है, मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, आप जरा सोचिएगा, अभी तुरंत आएगा आगे। दूसरी बात यह है कि स्टाफ की कमी होती है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते। अब खिड़की नंबर 9 खाली क्यों था? हो सकता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो सकता है कि बेचारा उसकी नियुक्ति ही ना हुई हो, काउंटर नंबर 9 पहले से ही खाली हो, सालों साल से खाली हो। प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, भाषा कभी कभी समस्या होती है, अगर नॉर्थ इंडियन को भेज देंगे, अपॉइंट कर देंगे साउथ इंडिया में तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी। पब्लिक सेटिस्फाइड है कि नहीं समाधान से, ये नहीं चेक किया जाता। इसके बाद जो हमारे साहब हैं उनका एटीट्यूड बहुत ही राजा महाराजा वाला होता है, आप बनेंगे आपका भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सभी का एक जो माइंडसेट है बदलता है सत्ता में आने के बाद, पावर में आने के बाद। तो ये मेन समस्याएं हैं हमारे साथ, दूर कैसे करेंगे? सबसे पहला सिटीजन चार्टर ये लाइए, जो सिस्टम है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाइए ताकि ग्रेवियांस ही ना हो, अकाउंटेबिलिटी लाइए ताकि वहाँ पर ग्रेवियांस ही ना हो। अगर आ भी गई है तो सरकार ने किया क्या है, DARPG जो डिपार्टमेंट है ना केंद्र वाला, उसने एक सेवा का इस्तेमाल किया है, इसको शुरू किया है ताकि पब्लिक ग्रेवियांस से संबंधित जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जा सके। प्रधानमंत्री ने जीवन प्रमाण को लॉन्च किया है, यहाँ पर जो 11 लाख पेंशनर हैं उनको जो स्कीम है उसका फ़ायदा मिला है सर्टिफिकेट के थ्रू, और भी कई सारी समस्याओं को सॉल्व किया गया है। जो राज्य सरकार है वो अपना ग्रेवियांस सेल को लिंक कर देंगे अपने केंद्र वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक जो सेवा ली गई, जैसे कि अभी तक जो काम किया गया है वो। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि जो सेकंड ARC है, सेकंड ARC ने सर्वोत्तम मॉडल को प्रपोज किया है। कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये लॉ बना दिया है कि आपको इतने समय में ये सेवा देनी होगी, 30 दिन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, ये इनकम सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, वरना जो ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके सैलरी कटेगी। कई सारे राज्यों ने ऐसा काम किया है, इससे बहुत ही बेहतरीन हो जाती है सेवा। वे फॉरवर्ड क्या है? पहला है सिटीजन चार्टर, मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा,
जो ऑप्शन अवेलेबल हैं जनता के पास उसको क्यों ना पब्लिसाइज किया जाए, जनता को बताया जाए कि आप यहाँ जा करके अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जो ग्रीवियंस रिडसल मैकेनिज्म है, सबसे पहले वो सिंपल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। किसी भी सिस्टम का ये विशेषता आप लिख सकते हैं, सिंपल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव। क्लियर बात? अगर आप कहें कि पापा कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, पापा पैसा दो तुरंत मिल जाना चाहिए और रिस्पॉन्सिव हो जाना चाहिए, ठीक है ना, रिजल्ट खराब आया तुरंत झापड़। तो यहाँ पर एक बात ये हो गई, सभी चीज़ पर ये अप्लाई होता है। आपका जो कॉलेज है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए, सिंपल, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव। अगला, एटीट्यूडनल चेंजेस इन पब्लिक सर्वेंट्स एंड इम्प्रूविंग देयर मोटिवेशन। अच्छा, ये वाला जो चीज़ है ना वो जी एफ बी एफ दोनों पर अप्लाई होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडिशनल जो आपका एटीट्यूड है वो चेंज करने की ज़रूरत है पब्लिक सर्वेंट का। अभी मैंने बताया आपको, जैसे ही लोग पावर में पहुँचते हैं उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो अपने आप को जनता से ऊपर समझने लगते हैं और जनता को एक बेनिफिशियरी के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? जनता को वो बेनिफिशियरी के रूप में देखते हैं, ना कि इंटाइटल्ड के रूप में। बेनिफिशियरी का मतलब यह है कि सरकार टुकड़ा फेंक रही है लोगों के सामने। इंटाइटल्ड का मतलब यह है कि सरकार को वो चीज़ देनी ही है, जनता का ये हक है। समझ गए बात? रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए डिपार्टमेंट का। जो सेकंड एआरसी ने सर्वोत्तम मॉडल दिया था उसको भी इम्प्लीमेंट कीजिए। सर्वोत्तम मॉडल है क्या? सर्वोत्तम मॉडल का मतलब ये है कि कोई भी आपकी सेवा है, कोई भी आपका सिस्टम है, उसको एसेस कीजिए और जो समस्या है उसको दूर करके उसको इम्प्रूव कीजिए। गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो चेंज कीजिए, उसको ठीक कीजिए, और जो सर्विस है और जो जनता है उसको एक इंटाइटल्ड के रूप में देखिए। तो ये बातें हो गई हमारे आज की, ये हमारा हो गया आज का पब्लिक ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। इस पर हमने आपको एक सवाल भी दिया है, ये सवाल है 15 मार्क्स का, 250 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिख करके सबमिट करना है। टेलीग्राम चैनल क्रैकर साइंस एकेडमी, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। ये ग्रुप भी है, चैनल भी है, सब कुछ यही है, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चैनल तो कह रहे हैं अपना, जहाँ देख रहे हैं वीडियो आप। तो ये हो गई बातें हमारी आज की। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।